गाइस फाइनली गेम के अंदर टू वर्सेस टू राइवल्स का इवेंट दोबारा से आ चुका है गेम के अंदर, और इस इवेंट को कंप्लीट करके हम अग्नि स्ट्राइकर के 100 पीसेस ले सकते हैं। इस बार हमें इस इवेंट के अंदर 100 पीसेस मिल रहे हैं अग्नि स्ट्राइकर के, और कंप्लीट करने के लिए तो आप सब लोग जानते हैं टू वर्सेस टू राइवल्स के जो है ना वो हमें टेबल पर गेम प्ले करना होगा। अगर हम लाइटनिंग स्ट्राइकर या मिडनाइट पक्स लेकर खेलते हैं तो हमें 50 एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे गेम प्ले के टाइम पर, और मेरे ख्याल से हमें इसको मिस नहीं करना चाहिए। आपके पास अगर लाइटनिंग स्ट्राइकर नहीं है तो मिडनाइट पक्स तो ज़रूर होंगे, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप यूज़ कर लेंगे तो आपको 50 एक्स्ट्रा पॉइंट्स साथ में मिलते जाएंगे। और गाइज मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, इस बार आपको अग्नि स्ट्राइकर के जो 100 पीसेस मिल रहे हैं ना, अगर आप ये सारे पीसेस कलेक्ट कर लेते हैं इस इवेंट को कंप्लीट करके तो आपके पास अग्नि स्ट्राइकर मैक्स हो जाएगा। जी हाँ गाइस, पिछली बार आया था ये गेम के अंदर तो हमें उस टाइम मुझे याद नहीं कितने पीसेस मिले थे, लेकिन हाँ लेवल 3 तक ही अपग्रेड हो गया था या लेवल 4 तक ऐसा कुछ। और अभी जो है ना हमें 100 पीसेस मिल रहे हैं, 3 और लेवल तक अपग्रेड हो जाएगा, तो यानी कि लेवल 6 का तो ये इजीली हो जाएगा और ये मैक्स भी हो जाएगा। चले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पहले ये वाला मैच फिनिश करते हैं, ये लास्ट मैच है। तो ये वाले दोनों पक्ष मेरे की पोजीशन जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो ऊपर वाली पक को जो है ना गाइज मैं यहाँ पर एक कनेक्शन बना कर खेलूँगा, बोर्ड सेट करके ब्लैक वाली पक्स पर टच होगी और फिर वो चली जाएगी पॉकेट में कुछ इस तरीके से, बहुत ही कमाल की शॉट थी। तो उसके बाद यहाँ पर टॉप लेफ्ट के लिए यहाँ पर ये वाला मैच हम लोग विन कर चुके हैं, और ये लास्ट मैच था जैसा कि मैंने आपको कहा 300 पॉइंट्स करने थे। इस इवेंट को कम्प्लीट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो चुका है अभी तो भाई, मतलब आपने जो है ना वो टोटल 5 मैचेस खेलने हैं, अगर आप हार भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं आपका इवेंट कम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर आप जीत जाते हैं तो आपका और उससे भी पहले जो है ना आपका इवेंट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर से गाइज लेफ्ट साइड वाले जो रिवॉर्ड्स हैं उनको आप डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड में हमें फ्रेंजे के चेस्ट और लास्ट में स्ट्राइकर के पीसेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो राइट साइड वाले रिवॉर्ड्स होंगे ना, अगर आप उनको कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको एक ऐड देखना पड़ेगा, और मैं ऐड्स भी देख रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि मिनी क्लिप का कोई जादू वगैरह हो रहा है, नहीं मैं ऐड्स देख रहा हूँ, बीच में वो क्लिप मैं स्किप कर देता हूँ। और मैं आपको बता दूँ आपको लाइन बाय लाइन जो है वो ये रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करना होगा, आप लास्ट वाले रिवॉर्ड्स को पहले कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए गाइस यहाँ पर से हम लोगों ने सारे के सारे स्ट्राइकर के जो 100 पीसेज हमें मिले हैं अग्नि स्ट्राइकर के वो हमने कलेक्ट कर लिए हैं। अभी जल्दी से इस स्ट्राइकर को मैक्स करके देखते हैं कि भाई मैक्स होने के बाद ये स्ट्राइकर हमें कैसा शो हो रहा है। तो यहाँ पर लेवल 5 का ये स्ट्राइकर हो चुका है और ये लास्ट लेवल इसका अपग्रेड हो रहा है, और इसी के साथ गाइस फाइनली हमारे पास जो अग्नि स्ट्राइकर है वो पूरा मैक्स हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा कोई खास नेक्स्ट लेवल का स्ट्राइकर नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मल सा स्ट्राइकर है। और गाइस इसका आप मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब है कि अगली बार जब टू वर्सेस टू राइवल्स का इवेंट आएगा तो उसके अंदर हमें कोई दूसरा रिवॉर्ड देखने को मिलेगा, तो वो कोई स्ट्राइकर भी हो सकता है या पक्स भी हो सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट्स करके बताना कि भाई आप लोग क्या देखना चाहते हैं, आपके हिसाब से स्ट्राइकर आना चाहिए या पक्स। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।